नमस्कार साथियों स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में साथियों सी से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो सी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी के पेपर वन की यूनिट फाइव जिसका नाम है बिजनेस साइकल्स तो इसमें बिज़नेस साइकिल के अलग अलग फेजेस को हम डिस्कस करेंगे साथियों बिज़नेस साइकिल क्या होती है द टर्म बिज़नेस साइकिल रिफर्स टू इकनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओवरऑल ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर्स तो बिजनेस साइकिल बेसिकली हम किसे कहते हैं कि जो इकोनॉमिक जो फ्लक्चुएशंस आते हैं प्रोडक्शन में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो फ्लक्चुएशन आते हैं हमेशा एक जैसा नहीं रहता ये ऊपर नीचे होता है कम ज़्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ सेबरल मंथ्स और ईयर्स तो मंथ्स या ईयर्स में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं कभी इकोनॉमी पीक uh, पर होती है कभी डाउन होती है तो इस जो फ्लक्चुएशंस हैं ये ओवरऑल जो साइकिल uh, है इसको ही हम बिजनेस साइकिल कहते हैं और बिजनेस साइकिल इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल तो इसको हम बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल भी इसे ही कहते हैं बिजनेस साइकिल सिंपली मीन द होल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच पासिस थ्रू द फेज ऑफ प्रॉस्पैरिटी एंड डिप्रेशन तो ये दोनों फेजेस से जाती है प्रोस्पैरिटी के फेज से होते हुए डिप्रेशन तक जाती है इसी को हम पूरी एक्टिविटी को ही हम बिजनेस साइकिल कहते हैं सिंपल वर्ड्स में अब बिजनेस साइकिल इज़ नॉट अ रेगुलर प्रिडिक्टेबल और रिपीटेटिव फिनोमिना लाइक द स्विंग ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इट्स टाइमिंग इज इज़ रेंडम एंड टू अ लार्ज डिग्री अनप्रडिक्टेबल तो बिज़नेस साइकिल साथियों रेगुलर नहीं है जैसे कि घड़ी का पेंडुलम है कि वो उसका एक फ़िक्स होता है कि इतना ऊपर तक जाएगा उसके बाद में पेंडुलम वापस आता है उसकी टाइमिंग फ़िक्स होती है इस तरह का ऐसा प्रेडिक्टेबल बिज़नेस साइकिल नहीं होती है ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होती है और टाइमिंग इसकी रेंडम होती है बाई एंड लार्ज जो है अनप्रडिक्टेबल ये है टू द लार्ज एक्सटेंट अनप्रडिक्टेबल ये होती है बिज़नेस साइकिल इसको प्रडिक्ट करना मुश्किल होता है अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं बिज़नेस साइकिल इज सिंक्रोनिक तो सिंक्रोनिक होती है यानी कि एक रिदम में एक एक बार जब बूम आएगा रिसेशन आएगा फिर पीक आएगा तो इस तरह से ये चलती है बिजनेस साइकिल शो अ वेब लाइक मूवमेंट तो वेब की तरह है ये जीरो से शुरू होकर पीक तक जाएगी उसके बाद फिर नीचे आएगी तो उस तरह से वेब लाइक मूवमेंट इसमें होता है सिलेंड्रिकल साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर रिक अकरिंग इन नेचर तो जो साइकिलिक फ्लक्चुएशंस हैं जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं साइकिलिक वो रीअकरिंग इन नेचर हैं यानी कि बार बार उस तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम देयर कैन बी नो इनडेफिनिट डिप्रेशन और इटरनल बूम पीरियड तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी इनडेफिनिट डिप्रेशन में चली जाए यानी कि हमेशा इकोनॉमी एकदम डिप्रेशन में या रिसेशन में रहे या फिर इटरनल बूम पीरियड यानी कि हमेशा के लिए वो इकोनॉमी बूम ही करती रहे पीक पर ही चलती रहे तो ये दोनों ही फिनोमिना जो हैं वो आते जाते रहते हैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में होते हैं द अप्स एंड डाउन मूवमेंट आर नॉट सिमेट्रिकल तो ये सिमेट्रिकल नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा इस तरह का ऐसा कोई आ, फिक्स नहीं है डाउनवर्ड मूवमेंट इज मोर सडन एंड वायलेंट देन द अपवर्ड मूवमेंट तो डाउनवर्ड जो मूवमेंट है यानी कि जो रिसेशन है जो डाउनवर्ड जो डाउनफॉल है वो ज़्यादा सडन होता है एकदम अचानक से होता है देन द अपवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट जनरली जो है वो धीरे धीरे होता है बट डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो रेपिडली डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वायलेंट होता है अब बिजनेस साइकिल के चार फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल इज आइडेंटिफाइड एज अ सीक्वेंस ऑफ फोर फेजेस तो सीक्वेंस किस तरह से होता है बूम रसेशन डिप्रेशन एंड रिकवरी तो इन चारों फेजेस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आप कैसे जान सकते हैं कि इकोनॉमी इस समय कौन सी फेज़ में है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो बूम में क्या होता है बूम में होता है ड्यूरिंग द बूम फेज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड आल्सो प्रोडक्ट फैच एन अबव नॉर्मल प्राइस विच गिप्स हायर प्रॉफिट तो इकोनॉमी जब बूम पर होती है उस समय प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज की जाती है यूटिलाइज होती है और प्रोडक्ट जो हैं वो एबब नॉर्मल प्राइस उनको मिलता है यानी कि अच्छे दाम जो हैं वो मिलते हैं जो सेलर है उनको और अच्छे खासे प्रॉफिट वो अर्न करते हैं इन बूम पीरियड कंजम्पशन विल बी डिक्रीज एज प्राइसेज आर गोइंग अप तो क्योंकि प्राइसेज इसमें ऊपर जाते रहते हैं तो धीरे धीरे कंजम्पशन जो है वो कम होने लगता है द डिमांड इज़ मोर और लेस स्टैगनेंट और इट इवन डिक्रीज तो डिमांड जो है वो स्टैगनेंट होती है और कई बार डिक्रीज भी होती है क्यों क्योंकि प्राइसेस इसके बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट के प्राइसेस जो हैं वो हाई होते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट बूम के बाद आता है रिसेशन जब एक बार इकोनॉमी बूम हो गई तो बाउंड है कि उसको नीचे आना है तो नीचे जब आती आना शुरू होती है उस पीरियड को हम कहते हैं रिसेशन आफ्टर रीचिंग पीक द कोर्स चेंजेस अ डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड इज ऑब्जर्व द सप्लाई एक्सीड्स डिमांड तो जैसे जैसे क्योंकि डिमांड हमने देखा था बूम के केस में जब प्राइस बढ़ रहे थे तो डिमांड जो है धीरे धीरे स्लो होती जा रही थी तो जैसे प्राइस बढ़ गए और डिमांड कम हो गई यानी कि सप्लाई जो है वो एक्सीड कर गई है जितनी डिमांड है डिमांड कम हो गई है सिस्टम में तो फिर वो डाउनवर्ड मूवमेंट एक डाउनवर्ड टेंडेंसी जो है वो शुरू हो जाती है डिज़ायर फॉर लिक्विडिटी इनक्रीज़ ऑल अराउंड तो हर तरफ जो है लिक्विडिटी यानी कि जो कैश है उसकी डिमांड बढ़ जाती है प्रोड्यूसर्स आर कंपेल्ड टू रिड्यूस प्राइस सो दैट दे कैन फाइंड मनी टू मीट देयर ऑब्लीगेशंस अब प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको अपने प्रोडक्ट के दाम कम करने पड़ते हैं ताकि उनकी सेल हो सके और उनके हाथ में पैसा आए और उनके जो ऑब्लीगेशंस हैं जो बैंक से उन्होंने अगर कोई लोन ले रखा है उसकी किस्त देनी है या रॉ मटेरियल जो उन्होंने ने अगर कोई एडवांस में ले रखा है उनको पे करना है तो उनके जो क्रेडिटर्स हैं हैं उनको पेमेंट करने करने के के लिए प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट दाम कम पड़ते ताकि सेल सेल उनके हो और उनके हाथ में पैसा आए तो यह होता है इस फेज में दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज नोन एज द क्राइसिस और इसी बिजनेस साइकिल के इस फेज को हम रिसेशन को क्राइसिस भी कहते हैं अब रिसेशन के बाद में नेक्स्ट जो फेज आता है वो है डिप्रेशन तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है साथियों अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल इज़ अ करैक्टरिस्टिक ऑफ दिस फेज़ तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है मैन का और मटेरियल यानी कि गुड्स का भी मशीनरी का भी वो इस फेज़ का करैक्टरिस्टिक है जनरल डिमांड फॉल्स फास्टर दैन प्रोडक्शन तो डिमांड इस फेज़ में काफ़ी तेजी से गिरती है जनरल डिमांड फॉल्स फास्टर देन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो कम हो ही रहा है उसके साथ में डिमांड भी और तेजी से कम होती है प्रोड्यूसर आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच, विच विल नॉट इवन कवर देयर कॉस्ट और इस फेज़ में क्या होता है जो प्रोड्यूसर हैं उनको अपने जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी कम प्राइस पर सेल करने पड़ते हैं रिसेशन से भी कम प्राइस पर वो यहाँ पे सेल करते हैं और कई बार क्या होता है कि जो उनकी कॉस्ट होती है वो भी वो दे आर नॉट इवन गेटिंग देयर कॉस्ट जितना उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है दे आर नॉट गेटिंग देयर मनी बैक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूज तो प्रोडक्शन अपने आप ही रिड्यूज़ हो जाएगा बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर नॉट गेटिंग गुड प्राइस दे आर नॉट गेटिंग देअर मनी बैक तो वो प्रोडक्शन अपने आप ही कम कर देंगे द डिमांड फॉर द बैंक क्रेडिट इज एट इट्स लोएस्ट विच रिजल्ट इन आइडल फंडस सो वेन प्रोडक्शन इज लोअर्ड द डिमांड डिमांड फ्रॉम फॉर द बैंक क्रेडिट इज ऑल्सो रिड्यूज क्योंकि जो सी सी वगैरह जो क्रेडिट जो प्रोड्यूसर्स ने ले रखा है लिमिट्स जो ले रखी हैं दे विल नॉट यूटिलाइज दैट बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एट देयर बेस्ट अपने जो प्रोडक्शन है उन्होंने कम कर दिया है तो वो बैंक से जो पैसा है क्रेडिट है वो भी क्यों लेंगे क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ रहा है उतना उनको प्रॉफिट अपनी प्रोडक्ट सेल करके नहीं हो पा रहा है द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो डिक्लाइन इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं क्योंकि जब बैंक क्रेडिट की डिमांड ही नहीं है क्रेडिट की डिमांड ही मार्केट में नहीं है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एज़ एट इट्स बॉटम तो डिप्रेशन में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं एग्रीगेट ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो अपने बॉटम पर होती हैं अब नेक्स्ट फेज आता है रिकवरी तो डिप्रेशन फेज डज नॉट कंटिन्यू इंडेफिनेटली डिप्रेशन कंटेन्स इन इट द जर्म्स ऑफ रिकवरी अब एक बार जब इकोनॉमी बॉटम आउट हो गई जिसे हम कहते हैं बॉटम में जब डिप्रेशन uh, में जब बॉटम पे चली जाती है इकनॉमी जब बॉटम आउट हो जाती है तो हमेशा तो बॉटम में नहीं रहेगी वो रिकवर करेगी तो रिकवर करेगी डिप्रेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता इनडेफिनेटली इट विल बाउंस बैक तो डिप्रेशन कंटेन्स इन इट द जर्म्स ऑफ रिकवरी तो डिप्रेशन में खुद में ही रिकवरी के जो संकेत हैं वो वहीं से आने लगते हैं वेजेस विल बी पेड लो तो जो मज़दूर हैं जो कामगार हैं जो काम कर रहे हैं उनको वेजेस पे होते हैं कम पेजेस पे होते हैं प्राइसेस लोएस्ट पे होते हैं अपने द कंज्यूमर हु पोस्टपोन देयर कंजम्पशन एक्सपेक्टिंग स्टिल फर्दर फॉल इन प्राइसेस नाउ स्टार्ट कंज्यूमिंग तो जो कंज्यूमर थे जिन्होंने इस वजह से अपने जो ख़रीदारी थी वो रोक रखी थी कि प्राइस क्योंकि डिप्रेशन में प्राइसेस लगातार कम होते जा रहे थे तो कंज्यूमर्स ये सोच रहे थे कि ये और सस्ता प्रोडक्ट हो जाए और सस्ता हो जाए तब हम इसको खरीदें लेकिन जब उनको लगता है कि डिप्रेशन अब ओवर अब फर्दर जो है वो प्राइसेस कम नहीं होंगे इस ये बॉटम आउट हो चुकी है इकनॉमी तो फिर जो जो कंज्यूमर्स हैं वो सोचते हैं कि कम प्राइस में हमको मिल रहा है तो हम क्यों ना आप प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू कर दें तो वो उसको परचेज़ करना शुरू कर देते हैं डिमांड इंक्रीज़ होने लगती है द स्टॉक ऑफ गुड्स बिकम इनसफिशिएंट तो क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि प्राइसिस कम है लोग खरीदना शुरू कर देते हैं तो अगेन जो मार्केट में डिमांड आ जाती है एंड स्टॉक बिकम्स स्टॉक ऑफ गुड बिकम्स इन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पिकअप शुरू होने पिकअप होना शुरू हो जाती है क्योंकि जब एक बार गुड्स कम हो गई मार्केट में डिमांड बढ़ गई देन अगेन वो सेम चीज़ें रिपीट होती हैं जो बिज़नेस हैं वो बैंक से क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं और अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं और जो कंजम्पशन बढ़ जाता है तो उनको प्रॉफिट भी अच्छा होने लगता है तो इस वीडियो में साथियों इतना ही था ये चारों फेजेस जो हैं इकोनॉमिक साइकिल के हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं आई होप साथियों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो सी आई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू